अगर हम कहते हैं कि मेरा भाग्य भगवान ने लिखा है, गॉड ने लिखा है, तो हम इस भाग्य को अगर देखें तो चारों ओर दुख ही दुख है, अशांति है, प्रॉब्लम्स हैं, चिंताएं हैं। कहीं बेटा है जो उम्र से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बीमारियां हो जाती हैं, किसी का बिजनेस डाउन हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तनाव है, टेंशन है, चिंता है, इनसिक्योरिटी है। तो भगवान जो कि परफेक्ट बीइंग है, वो सुप्रीम फादर है, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम सब उसके सिकिलदे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अगर उसने हमारा भाग्य लिखा है, तो क्या वह हमारे भाग्य को इस प्रकार लिखेगा? या फिर इला, आपने जैसा कहा कि अगर आपके बच्चे का भाग्य आपको लिखने के लिए कहा जाए, तो आप ऐसा भाग्य लिखेंगी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जो सुखों से परिपूर्ण हो, उस जीवन में शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो। तो अगर भगवान ने हमारी दुनिया रची है, उसने हमारा भाग्य लिखा है, तो वह एक बहुत ही खूबसूरत भाग्य लिखेगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। और अभी हम जैसे देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या कहते हैं? यह प्रॉब्लम तुम्हारे कारण है, मुझे गुस्सा तुम्हारे कारण आ रहा है, मेरे मन में जो अशांति हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने कार्य ही ऐसा किया है। हाँ, हम छोटी छोटी बातों पे दूसरों को देश देते हैं कि तुमने यहाँ कुछ रख दिया, मैं गिर गई, तुमने दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया, पानी आ गया। तो इस तरह हम दूसरों को दोषी मानते हैं किसी भी कार्य के लिए जो हमारे साथ बुरा हुआ हो। सही है। तो हम यह देखते हैं, जीवन में कोई भी घटना हो, छोटी घटना हो या बुरी घटना हो, हम हमेशा उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल दूसरे को ठहराते हैं। तो मेरे लिए अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो वह आपके कारण हो रहा है, आपके कारण हो रहा है, इनके कारण हो रहा है, उनके कारण हो रहा है। तो हमेशा हमारी उंगली कहाँ होती है? सामने वाले के तरफ, हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। और जिस सिचुएशन में हमें कोई दोष देने के लिए दिखता नहीं है, पता नहीं चलता इस बात के लिए किसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाए, तो हम क्या कहते हैं? यह बात उसके कारण हुई है। वही उंगली जो हॉरिजॉन्टल थी, अब हो जाती है वर्टिकल। भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बुरा किया था? तूने मेरा भाग्य ऐसा क्यों रचा? तो अब ज़रूरत है इस अवेयरनेस की कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यह मेरे ही कर्मों का परिणाम है।